हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूं अभिषेक, वेलकम बैक करता हूं आपका करेवेले इंस्टीट्यूट में। तो आज हम लोग अलंकार में सीखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, ये भी हमारे एग्जामिनेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और 100% पूछा जाता है। तो आज चलिए उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में जान लेते हैं। तो आइए व्हाइट बोर्ड पर मैं आपको समझाता हूँ उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, तो फ्रेंड्स उत्प्रेक्षा अलंकार हमारा क्या होता है, इस दो लाइन की परिभाषा होती है। क्या होती है? जहां पे उपमा में उपमान की संभावना जताई जाती है वहां पर होता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो चलिए इसकी डिफिनेशन मैं डिनोट कर देता हूं। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो फ्रेंड्स ये है हमारी दो लाइन की परिभाषा उत्प्रेक्षा अलंकार की। तो क्या होती है? जहाँ पे उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ पर होता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो चलिए इसका एग्जाम्पल जान लेते हैं। उदाहरण और स्पष्टीकरण मैं एक साथ ही लिख देता हूँ, क्योंकि उत्प्रेक्षा अलंकार में आपको समझना पड़ेगा। ये एक ऐसा अलंकार है जिसमें आपको समझना ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज होती है थोड़ी सी लंबी होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है, बहुत सिंपल होती है लेकिन थोड़ी सी बड़ी होती है। तो एग्जांपल और स्पष्टीकरण मैं एक साथ लिख देता हूँ और फिर उसको मैं आपको समझा दूंगा और बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो चलिए मैंने एग्जाम्पल और उसका स्पष्टीकरण लिख दिया है, चलिए उसको समझ लीजिए, क्योंकि समझना ही है उत्प्रेक्षा अलंकार में, समझना ज़्यादा पड़ेगा आपको। तो होता तो छोटा सा और सिंपल सा उदाहरण है, कैसे मैं समझा देता हूँ आपको, देख लीजिए। उदाहरण जब आप हेडिंग डालेंगे तो आपको उदाहरण में क्या लिखना होता है, सोहे ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात मानो नील मणि शैल पर अपयुत परोट प्रभात, ये होता है हमारा एग्जाम्पल और इसके स्पष्टीकरण जो कि हमारे श्री कृष्ण भगवान जी के ऊपर दिया गया है, उनके पीतांबर वस्त्रों के ऊपर। बस इसीलिए मैंने आपको एक साथ ही बताना चाहता हूँ, चलिए देख लीजिए। ये था हमारा उदाहरण और इसमें दो चीज़ की प्रस्तुति हुई है। क्या चीज़? उपमेय और उपमान, एक प्रस्तुति एक अप्रस्तुति जो कि संभावना जताई गई है। इसी में स्पष्टीकरण आपको समझना है। देखिए पहले आप एग्जाम्पल में लिखेंगे, सोहे ओढ़े पीठ पर जो श्याम सलोने घात मानो नील मणि शैल पर आपदु परो प्रभात। इसके बाद आपको स्पष्टीकरण डालना है। स्पष्टीकरण में क्या लिखना है, यहाँ पीला वस्त्र धारण किए हुए श्री कृष्ण श्याम शरीर यहाँ पर उपमेय प्रस्तुत हो गया है। श्री कृष्ण श्याम शरीर उपमेय प्रस्तुत हुआ है, मैं प्रातःकालीन धूप पर शोभित नीलमणि शैल पर, मतलब यहाँ पर उपमान अप्रस्तुत हुआ है, इसकी संभावना की गई है, अर्थात यहाँ पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो बस इतना ही सा होता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें थोड़ा आपका माइंड स्थिर रखना होगा और समझना होगा, कुछ कठिन नहीं होता है। और एग्जामिनेशन में इंटर के हाई स्कूल के 100% आता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसको आप याद कर लें और थोड़ा सा समझ लें। जो हमारे चैनल में जुड़ा हुआ है वो वीडियो को देखे, सही से देखे, समझे
और कमेंट जरूर करें कि कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका सलूशन मैं आपको दे दूंगा। कोई कठिन नहीं है, थोड़ा सा होता है, सिंपल सा आप समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक है। जिसको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड जो हमारे चैनल में न्यू जुड़ा हो वो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को पुश कर दे कि जैसे ही मैं कोई अपना नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो आज हमारा अलंकार यहीं तक था, इसके बाद मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए क्योंकि पढ़ाई भी ज़रूरी है।